आज से लाखों साल पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन खेती और जब किसी भी तरह की सभ्यता नहीं थी तो किसे पता था कि इतने अलग अलग जानवर उनकी लाखों प्रजाति और करोड़ों की आबादी होने के बावजूद केवल एक ही प्राणी होगा जो इस दुनिया में राज करेगा और वो जीव है हम मानव जाति। कभी एक जमाना हुआ करता था जब हम मानव जाति की भी कई सारी प्रजातियां हुआ करती थी और एक आज का वक्त है जब पूरे विश्व में हम मानव जाति की महज एक प्रजाति है। हाँ, भले उसमें भी हम रंग रूप और दिखावट में अलग अलग हैं। तो आज की इस वीडियो का सवाल ही यही है कि हम ह्यूमन स्पीशीज यानी कि हम मानव जाति इस धरती पे कैसे आए, हमारा विकास कैसा हुआ और जो इतने सारे प्रजातियां हुआ करती थी वो कहां गए, कैसे लुप्त हुए। और जानते हैं अपने खुद के इतिहास के बारे में जो खुद इतिहास से भी पुराना है। मानव जाति के विकास और उन्नति का सार शुरू हुआ था तकरीबन आज से 70 लाख साल पहले जब मानव वंश टूटकर चिंपांजियों से अलग हुआ। लाखों सालों के काल चक्र में 20 से भी ज्यादा प्रारंभिक मानव प्रजातियां यानी कि होमिनिन स्पीशीज सामने आई। उनमें से अधिकांश तो विलुप्त हो गए, निस्तानाबूत हो गए, जबकि बाकी बचे होमिनिन्स आज के मौजूदा सारे मानव जाति के पूर्वज रहे हैं। हमारे जीन्स में उनका डीएनए आज भी मौजूद है। हैरत की बात यह है कि गुजरे हुए प्रजातियों में आज के मौजूदा इंसान की तरह थोड़ी थोड़ी खूबी सब में थी, जैसे कि बड़ा दिमाग का होना, छोटे दांतों का होना, दो पैरों में चलने की खूबी और किसी भी चीज से हथियार बनाकर इस्तेमाल करने की काबिलियत। इन होमिनिन प्रजातियों को मुख्य तीन चरणों में बांटा गया है और इन तीनों फेज में पहला है अर्ली होमिनिन्स, दूसरा है ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स और तीसरा है होमोजीनस यानी कि हम। अब हमारे जो शुरुआती प्रजाति हैं, वो तकरीबन आज से पीछे 70 से लेकर के 44 लाख साल के बीच में अफ्रीका के महाद्वीपों में रहा करते थे। क्योंकि हमारे शुरुआती प्रजाति के पूर्वज भी चिंपांजी रहे हैं, इसी वजह से उनमें बंदरों के ही गुण थे, जैसे कि छोटी खोपड़ी का होना। हाल में ही पाए गए जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स बताते हैं कि कुछ प्राचीन होमिनिन प्रजातियां भी मौजूदा आधुनिक मानव जैसे विशेषताओं को दिखाने लगे थे, जैसे छोटे छोटे दांतों का होना जो शिकार करने के लिए नहीं बल्कि ज्यादातर इस्तेमाल खाने के लिए किए जाते थे। अब यहाँ से होमिनिन प्रजातियों के डेवलपमेंट के अगले फेज में शामिल थे प्राइमेट्स। प्राइमेट्स उन जानवरों को कहा जाता है जो कि मैमल्स यानी कि स्तनधारी होते हैं, जिनके हाथों के हथेलियां और पैरों के पंजे लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, लंबी लंबी उंगलियां होती हैं, इंसानों की तरह नाखून होते हैं, उनकी बाहें उनके कंधों के इर्द गिर्द घूम सकते हैं, जिनके क्लेविकल यानी कि कॉलर बोन्स काफी मजबूत होते हैं, बाइनोक्यूलर विजन यानी कि एक ही दिशा में दोनों आंखों से सटीक देखने की शक्ति और अच्छी तरीके से विकसित मस्तिष्क और जिनका ज्यादातर वक्त पेड़ों पे बीतता है। ये ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स अफ्रीका महाद्वीप में आज से पीछे 44 लाख साल से लेकर 17 लाख साल के बीच में रहा करते थे। अपने प्राचीन पूर्वजों की तरह ही ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स में बंदरों जैसी खूबी थी। हालांकि इनकी खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी और पैरों के ढांचों में जो बदलाव थे वो मानव जाति के तरक्की की ओर एक संकेत था। तो ये थी दूसरी फेज। इसके बाद आती है तीसरी फेज। मानव जाति के विकास के तीसरे चरण में होमोजीनस प्रजाति के जीव शामिल हैं। जीनस होमो की मौजूदगी की संभावना इस धरती पे 2 लाख साल से भी पुरानी है। होमोजीनस प्रजाति में ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स के ही गुण शामिल हैं, लेकिन इनमें बंदरों वाले लक्षण कम और मौजूदा वक्त में मानव जैसे गुण ज्यादा थे। दूसरी भाषा में स्पष्ट रूप से कहे तो होमिनिन प्रजाति साफ सुथरे तौर पर हर गुजरते दिन इंसान बनते चले जा रहे थे। उनके मस्तिष्क के क्षमता व आकार वक्त के साथ बढ़ रहे थे। उन्होंने पत्थरों से हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी को हासिल किया, जिन्होंने जानवरों को काबू करने के साथ साथ पहली बार मानव इतिहास में आग को काबू किया था। शारीरिक और स्वाभाविक बदलाव को स्वीकार करने की क्षमता और वक्त के साथ हथियार और जरूरी चीजों को बनाने की क्षमता में बढ़ोतरी ने इन होमिनिन स्पीशीज को अफ्रीका महाद्वीप से बाहर निकालकर पूरी दुनिया में फैलाव विस्तार करने का और नई जगहों को ढूंढने का मौका दिया। हैरत की बात तो यह है कि इस धरती पर 20 से भी ज्यादा होमिनिन प्रजातियों ने जन्म लिया, कदम रखा और लंबे वक्त तक इस जमीन में राज भी किया, लेकिन मौजूदा वक्त में केवल एक ही होमिनिन प्रजाति है जो मौजूद है और वो है हम। तो आखिरी सवाल ये कि आखिरकार ये बाकी की प्रजातियां कहां गई, कैसे विलुप्त हुई और क्या इन प्रजातियों को हम होमोजीनस प्रजातियों ने ही मार दिया? तो फिर क्यों ऐसा है कि आज भी हमारे जीन्स में इन पुराने पूर्वज प्रजातियों की जीन्स मौजूद है?
तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर होता है हमारी आज का वीडियो खत्म। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में वीडियो शेयर कीजिए, और मुझे अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए वो कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में जल्द ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, तब तक के लिए नमस्कार।